व्हाट्सअप गाइस, मैं आकाश, आप सभी लोगों का टेक स्काई पे स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं सेनहाइजर CX 180 का पूरा रिव्यू करने वाला हूँ। ये जो ईयरफोन है ये आते हैं 1000 रुपीज के अंडर। आपको अमेजोन या फ्लिपकार्ट पे किसी भी साइट पे 800 रुपए के करीब ये फोन देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इसका पूरा रिव्यू करने वाला हूँ, आपको एक ओवरलुक दूंगा और पूरा रिव्यू करके बताऊंगा कि क्या आपको ये ईयरफोन लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, बॉटम से शुरू करते हैं, आपको बताते हैं। ये जो टिप है ये गोल्ड प्लेटेड है, 3.5 mm की जो जैक है और यहाँ पे आपको कुछ कर्व डिजाइन देखने को मिलता है। तो ये काफी अच्छी बात है कि आपको यहाँ से ऐसे कुछ कर्व मिलता है, क्योंकि बाकी जो ईयरफोन है, जैसे देखिए आप ये, तो ये कैसे आपको एकदम स्ट्रेट मिलता है। तो जैसे ही आप इसे मोबाइल पे लगाते हैं अपने, तो देखिए तो इस तरीके से कुछ ये फिट हो जाता है। और जब आप इसे अपने पॉकेट में रखते हैं, समझिए हम मोस्ट ऑफ द बॉयज जीन्स पहनते हैं, तो जैसे ही इसे पॉकेट में रखते हैं तो चलने के बाद में इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, तो ये डैमेज होने की चांसेस बहुत ही कम होती है। तो ये डिजाइन काफी अच्छे तरीके से बनाया गया है। अगर आप इस ईयरफोन की बात करें तो देखिए, अगर ये मैं ऐसे लगाता हूँ इसके ऊपर, अगर आप चलते हैं तो ये जो है मुड़ने के चांसेस होते हैं और ईयरफोन जल्दी खराब होते हैं इसके वजह से। तो ये तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेनहाइजर की ब्रांडिंग दी गई है। अब बात करते हैं इसके वायर की क्वालिटी की। तो दोस्तों वायर थोड़ा पतला दिया गया है इसके अंदर, तो जैसे आपको बाकी सारे ईयरफोन्स में मोटे वायर देखने को मिलते हैं, उस तरीके से इसमें वायर नहीं है, वायर थोड़ी पतली है। अगर मैं कंपेयर करूँ अपने सैमसंग के हिसाब से, तो आप देख सकते हैं कि कितना पतला वायर आपको सेनहाइजर में देखने को मिलता है। तो ये वायर काफी मोटी है और ये पतली भी है और बहुत ही फ्लेक्सिबल आपको देखने को मिलती है। तो देख सकते हैं आपकी कितनी फ्लेक्सिबल ये इसकी वायर दी गई है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं सेनहाइजर की ब्रांडिंग दी गई है और पीछे की तरफ आपको CX 180 नजर आता दिखाई दे जाएगा। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये दोनों पॉइंट दिए गए हैं, आपके वायर को सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों अगर आगे की वायर की बात करूँ तो आपको देखिए वायर भी काफी पतला नजर आता है। अगर मैं इसे अपने सैमसंग के ईयरफोन के साथ कंपेयर करूँ तो देख सकते हैं आप, अगर तो दोनों वायर को अगर आप देख सकते हैं तो देखिए सेनहाइजर की जो वायर है, केबल है, वो काफी पतली है एक नॉर्मल केबल से भी। तो देखिए दोस्तों ऊपर की तरफ आपको डिजाइन कुछ इस प्रकार देखने को मिलती है। इसके ऊपर यहाँ पे लेफ्ट और राइट का ऑप्शन दिया गया है। बात करें इसके ईयरबड्स की तो आपको काफी अच्छी क्वालिटी की ईयरबड्स देखने को मिलती है, बहुत पतली नहीं है और बहुत मोटी नहीं है, तो अच्छे से आपके कानों में फिट होने लायक ये ईयरबड्स दी गई है। आपको दो पैर और मिलते हैं एक्स्ट्रा स्मॉल और लार्ज के, तो ये मीडियम वाले हैं। तो अगर नीचे की केबल की बात करूं दोस्तों, तो ये जो पार्ट है नीचे का ये काफी फ्लेक्सिबल आपको देखने को मिलता है। अगर मैं अपने सैमसंग की ईयरफोन से इसे वापस कंपेयर करूं तो दोस्तों, तो ये जो पार्ट है काफी हार्ड होता है बाकी सारे ईयरफोन का, ये पार्ट इसका बहुत हार्ड है। नीचे की तरफ आपको एक रबर मिलता है, फिर आपका केबल स्टार्ट होता है, लेकिन यहाँ पे जो पार्ट दिया गया है ये यहाँ से ही फ्लेक्सिबल है, यही पूरा रबर का है। देख सकते हैं आप कैसे ये बेंड हो रहा है, इसके नीचे से फिर केबल दी गई है। तो मुझे लगता है दोस्तों ये ईयरफोन बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, लेकिन आपको वारंटी मिल जाती है इस ईयरफोन के अंदर, तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फ्रेंड सबसे पहले बताते हैं कि कैसे ये आपके ईयर में फिट होता है, तो मैं आपको इसे पहन के दिखाता हूँ। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपके ईयर में फिट होता है। आप वॉक कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये बहुत ही इजीली आपके ईयर से बाहर नहीं आते हैं। अगर आप इसे पुल भी करते हैं तो इतने जल्दी आपके कान से नहीं निकलता, अगर बहुत जोर से आप इसे खींचेंगे तब ये आपके ईयर से निकलती है। तो दोस्तों अब मैं आपको इसके साउंड क्वालिटी के बारे में बताने वाला हूं। तो 800 रुपीज की इस प्राइसिंग दी गई है और साउंड क्वालिटी बहुत ही अमेजिंग है। अगर मैं आपको इसके लो वॉल्यूम की बात करूं तो लो वॉल्यूम पे भी जब इसके बेस और क्लैरिटी की बात आती है तो काफी अच्छा ये परफॉर्म करता है। अगर आप इसको फुल वॉल्यूम पे भी सुनते हैं तो जरा भी आपके कानों पे, आपके सर में स्ट्रेन नहीं पड़ती है, आपको हेडेक भी नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे ईयरफोन्स मैंने ऐसे सुने हैं, अगर आप उसको हाई वॉल्यूम पे कंटिन्यू सुनते हैं तो थोड़े टाइम में आपको हेडेक होने लगते हैं, आपके कान में मतलब इरिटेशन टाइप होने लगती है। तो वैसा दोस्तों इसके साथ नहीं है। अगर आप इसको हाई वॉल्यूम पे भी सुनते हैं तो बहुत ही अमेजिंग इसकी साउंड क्वालिटी आती है। बेस बहुत ही पंची है, मतलब एग्जैक्ट जिसे बेस होना चाहिए उस तरीके का बेस आपको देखने को मिलता है। लो वॉल्यूम में भी क्लैरिटी बहुत ही कमाल की इस ईयरफोन की आती है। तो दोस्तों अगर साउंड क्वालिटी की बात करूं तो 10 में से मैं इसे 9 पॉइंट्स देता हूं अगर साउंड क्वालिटी की बात है इसकी प्राइसिंग को देखते हुए, क्योंकि प्राइसिंग इसकी सिर्फ 800 रुपीज की है और जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही अमेजिंग है। दोस्तों मैंने इसे पर्पसली पहना है क्योंकि ये जो ईयरफोन है 3000 रुपए का है। ऑब्वियसली ये ब्लूटूथ ईयरफोन है, इसे कंपेयर नहीं कर सकते इसके साथ में, लेकिन जो इसकी प्राइसिंग है 3000 रुपए की,
और अगर दोनों के साउंड क्वालिटी की बात करूं तो साउंड क्वालिटी इसकी बहुत ही अमेजिंग है। 3,000 रुपये में इसके फीचर्स अच्छे हैं, ब्लूटूथ अच्छा दिया गया है, मतलब बहुत ठीक है। 3,000 रुपये में इसका फीचर ठीक है, लेकिन जो साउंड क्वालिटी 800 रुपये में आपको मिलती है, वो 3,000 रुपये के भी ईयरफोन में आपको देखने को नहीं मिलती है। दोस्तों अगर इस ईयरफोन को मैं 2,000 रुपये के भी प्राइस बजट में अगर रख दूं, तो बहुत सारे ईयरफोन्स ऐसे हैं जिनको ये आराम से पछाड़ देता है, मतलब कमाल की इसकी साउंड क्वालिटी आपको देखने को मिलती है। इसके प्रोज और कॉन्स की बात करूं दोस्तों, तो प्रोज सबसे अच्छा यही है इसका, इसकी साउंड क्वालिटी, हाई वॉल्यूम की साउंड क्वालिटी, लो वॉल्यूम, क्लैरिटी और बेस, मतलब ये पांचों चीज आपको इसके अंदर बहुत ही कमाल की देखने को मिलेगी। और इसके कॉन की बात करूं दोस्तों, तो कॉन है इसकी जो इसकी बिल्ड क्वालिटी है, जैसा कि मैंने आपको बताया इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, जो केबल है काफी पतले हैं यहाँ के भी और यहाँ के भी, तो मुझे पर्सनली बहुत डर लगता है क्योंकि इसको बहुत ही केयर से और अच्छे तरीके से आपको हैंडल करना पड़ेगा। दूसरी कॉन ये है दोस्तों, आपको इसके अंदर कोई भी माइक नहीं मिलता है। अगर आप बेसिकली एक म्यूजिक लवर है, अगर आपको सिर्फ गाने सुनने के लिए ईयरफोन चाहिए, तो डेफिनेटली ये ईयरफोन अच्छा है, क्योंकि आप इसके अंदर बात नहीं कर सकते इस ईयरफोन से, क्योंकि माइक मिसिंग है इसके अंदर। दोस्तों वीडियो को कंक्लूड करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या आपको ये ईयरफोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो डेफिनेटली दोस्तों 800 रुपये में एक बेस्ट पिक है मेरी तरफ से, आपको 2 साल की वारंटी भी कंपनी की ओर से मिल जाती है, तो समझ लीजिए कि 800 रुपये में आपका 2 साल तो सिक्योर हो गया इस ईयरफोन के साथ में, तो डेफिनेटली आप जाके इसे ले सकते हैं। तो ये सारे म्यूजिक प्लेयर में बहुत ही कमाल का परफॉर्म करता है। बेसिकली मेरी बात करूं दोस्तों, तो मैं N7 प्लेयर यूज करता हूँ, तो उसके ऊपर जो इसकी साउंड क्वालिटी है बहुत ही कमाल की आ रही थी। मेरे पास सैमसंग का डिवाइस है, तो उसके अंदर डॉल्बी एटमॉस वाले फीचर, दोस्तों अगर आप इसे जियो म्यूजिक में भी सुनते हैं तो काफी कमाल की साउंड आपको इसके अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों मेरे पास सैमसंग का फोन है, उसके ऊपर मैंने इसे टेस्ट किया और बाकी सारे फोन पे भी टेस्ट कर रहा हूँ, तो काफी अच्छी साउंड क्वालिटी मुझे सारे फोन में देखने को मिल रही है। अगर आपके पास कोई अच्छा डिवाइस है जिसके अंदर डॉल्बी एटमॉस साउंड या DTS सराउंड ऐसे कुछ साउंड की टेक्नोलॉजी दी गई है, फिर तो यह ईयरफोन इट विल नेल्ड इट, मतलब बहुत ही कमाल की आपको साउंड प्रोडक्शन उस मोबाइल में देखने को मिलने वाली है। तो डेफिनेटली मेरी तरफ से एक पिक रहेगा, अगर आप आपका 1,000 रुपए के अंदर कोई बजट है, 800 रुपए की प्राइस में आपको ईयरफोन लेना चाहते हैं, तो डेफिनेटली सेनहाइजर CX180 बहुत ही कमाल का ईयरफोन आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे नए इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आता रहूंगा। टिल देन मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और दोस्तों खुश रहिए।